हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूँ क्लास एट्थ साइंस का चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसका लगभग हाफ चैप्टर हमारा हो चुका है और उसमें हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की थी। फर्स्ट किया था सोयल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोयल। सेकेंड किया था हमने सोविंग ऑफ सीड्स, बीज बोते हैं। और थर्ड किया था हमने एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। ठीक है, अब हम करेंगे फोर्थ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, दैट इज इरिगेशन। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर इज एब्सॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। सभी लिविंग बींग्स होते हैं, उनको पानी की जरूरत होती है जीने के लिए, और वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स, और प्लांट रूट भी वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। अलोंग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो एब्जॉर्ब। वाटर के साथ साथ प्लांट की रूट्स और क्या क्या एब्जॉर्ब करती हैं, मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स को। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट्स के अंदर लगभग 90% पानी होता है। वाटर इज असेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ द सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। तो वाटर बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जो सीड हैं वे जर्मिनेट तभी करते हैं जब उनको पानी मिलता है। ड्राई कंडीशंस में सीड जर्मिनेट नहीं कर सकते। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। और जो पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व होते हैं वे प्लांट के हर पार्ट तक पहुँच जाते हैं। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। और वाटर क्या और क्या फंक्शन है, क्रॉप को फ्रॉस्ट और हॉट एयर करंट से बचाता है, गर्मी में से भी बचाता है और ठंड से भी बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। तो अगर हमें हेल्दी क्रॉप चाहिए तो फील्ड्स को रेगुलरली समय समय पर पानी देना चाहिए। द सप्लाई ऑफ द वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। तो अब आ गया हमारा जो हेडिंग था इरीगेशन, उसका मीनिंग। ये वन मार्क डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट इज इरीगेशन। सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स, क्रॉप्स के अंदर सप्लाई करना पानी और बार बार समय समय पर, उसको इरीगेशन बोलते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, सीजन टू सीजन। जैसा सीजन होता है, जिस टाइप की सॉइल होती है और जिस टाइप की क्रॉप होती है, उसी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन, कितनी बार पानी देना है, ये चेंज होता रहता है। वाइज इट सो, ऐसा क्यों होता है। इन समर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। समर के अंदर क्या होता है, गर्मियों में पानी हमें ज़्यादा देना होता है। आपके घर में अगर गमले लगे हुए हैं या अगर छोटी सी क्यारी बनी हुई है तो आप उसमें देख सकते हैं, आपको डेली पानी देना होता है। लेकिन सर्दियों में आपको 2-3 दिन में पानी देना होता है। इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज्ड रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। क्योंकि गर्मियों में इवेपोरेशन ज़्यादा होता है सॉइल से भी और लीव्स से भी। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। इस साल मैं अपने प्लांट्स के बारे में बहुत ही केयरफुल हूँ वाटरिंग के लिए, क्योंकि लास्ट समर क्या हुआ था, मेरे जो जितने भी प्लांट्स थे गमलों में लगे हुए थे वे सारे सूख गए थे। अब देखना हमें सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या क्या हैं। इरिगेशन के सोर्सेज क्या क्या हैं, वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स, ये सब क्या है, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है। तो यहाँ पे जो पेज नंबर 8 है, यहाँ पे आपको क्या दिखा गया, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन दिखा रखे हैं। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड बाई डिफरेंट मैथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग टू द फील्ड्स। तो कैनाल्स में और लेक्स के अंदर या वेल्स के अंदर जो पानी अवेलेबल है उसको अलग अलग रीजन्स में अलग अलग मैथड्स के द्वारा निकाला जाता है और उनको फील्ड्स तक पहुँचाया जाता है। और इसमें कैटल या ह्यूमन लेबर यूज़ होती है। और ये मैथड्स चीप तो होते हैं, सस्ते तो होते हैं, लेकिन लेस एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है और पानी बहुत कम निकलता है। और इसमें ट्रेडिशनल मेथड्स कौन से हैं, मोट है, पुली सिस्टम है, ये वाला चेन पंप दिखाया हुआ है फिगर बी में, सी में डेकली,
और फोर्थ में रहट या लीवर सिस्टम है। पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दिस पंप्स। और इन सभी पंप्स को चलाने के लिए बायोगैस यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी या सोलर एनर्जी या डीजल यूज होता है। नाउ वी आर कमिंग टू मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। जो हमारे आजकल जो इरीगेशन के मेथड्स हैं, इससे हम वाटर को इकोनॉमिकली यूज़ कर सकते हैं, जितना ज़रूरत है इतना यूज़ कर सकते हैं और इसमें वाटर वेस्ट भी नहीं जाता। मेन मेथड्स दिए हुए हैं, हमारे पास टू मेथड्स हैं। फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम और सेकेंड है हमारा ड्रिप सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशियंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। ये जो सिस्टम है स्प्रिंकलर सिस्टम है दिखा रखा है, ये कहाँ पे यूज़फुल है? अनइवन लैंड पे, जो ऊंची नीची मिट्टी होती है वहाँ पे, वो जहाँ पानी कम अवेलेबल है। परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स, यहाँ पे जो ये परपेंडिकुलर पाइप्स दिखा रखी हैं, इनके ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ से रोटेटिंग नोजल लगे हुए हैं। हैविंग आर ज्वाइन टू द मेन पाइपलाइन, ये जो मेन पाइपलाइन है इनसे इनको ज्वाइन कर रखा है। एट रेगुलर इंटरवल्स व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप, जब मेन पाइप से वाटर फ्लो करता है अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ए पंप, इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स। तो रोटेटिंग नोजल्स में से पानी निकलता है एंड स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग, और क्रॉप के ऊपर ऐसे गिरता है जैसे कि बारिश हो रही है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। जो कॉफ़ी प्लांटेशन होते हैं, कॉफ़ी के बागान होते हैं, लान होते हैं और दूसरी क्रॉप्स में भी ये बहुत ही यूज़फुल है। सेकेंड हमारा मेथड है ड्रिप इरीगेशन, ड्रिप सिस्टम बोलते हैं इसको। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाई ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इसमें क्या होता है, ड्रिप सिस्टम में जो वाटर है वो केवल रूट्स तक के पास ही जाता है और ड्रॉप बाई ड्रॉप गिरता है रूट्स के पास में, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। बेस्ट टेक्निक है वाटरिंग की, और ये किस में यूज़ होती है, फ्रूट प्लांट्स में, गार्डन्स में और ट्रीज में। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज़ ए बून इन द रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। तो वाटर इसके अंदर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, एक एक बूंद पानी यूज़ होता है, ये वहाँ वरदान है उन रीजन्स में जहाँ पानी बहुत ही कम है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स। बुजो इन पहेली वेंट टू ए नियर बाई वीट फील्ड एंड सा दैट देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड ग्रोइंग अलोंग विद वीट प्लांट्स। बुजो और पहेली एक पास ही खेत है, उसमें जाते हैं गेहूं के खेत में और देखते हैं कि खेत में गेहूं के पौधों के साथ साथ कुछ दूसरे पौधे भी उगे हुए हैं। हैव दिस अदर प्लांट्स बींग प्लांटेड परपजली। तो बुज्जो सोचता है कि क्या इन प्लांट्स को उगाने का भी कोई पर्पज है। इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप एंड दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर वीड्स। तो इनका प्लांट्स का कोई पर्पज़ नहीं है, ना ही इनको कोई पर्पजली उगाता है। ये अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं जिनको हम नहीं चाहते कि हमारे वीट क्रॉप के साथ उगे या मेज क्रॉप के साथ या पैडी क्रॉप के साथ उगे। ये अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं, अपने आप ही क्रॉप के साथ उग जाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, वीड्स। आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि वीड्स क्या होती हैं, अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। एंड व्हाट इज वीडिंग, द रिमूवल ऑफ द वीड्स। इन अनडिजायरेबल प्लांट्स को रिमूव करना ही वीडिंग बोलते हैं। और वीडिंग क्यों ज़रूरी है, बिकॉज द वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। क्योंकि जो वीड्स हैं, जो हमारी जो क्रॉप प्लांट्स हैं, वीट के हैं या पैडी के हैं, इन्हें जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स, स्पेस और लाइट मिलना चाहिए, उसके लिए ये भी कम्पीट करते हैं। दस दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। अगर बहुत सारी वीड्स होंगे किसी क्रॉप के अंदर तो इससे क्या होगा, क्रॉप की ग्रोथ पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्रॉप हमारी हेल्दी नहीं होगी, उसकी ग्रोथ भी कम होगी। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनर फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। कुछ वीड्स इवन जब फसल पक जाती है तो उस टाइम तक रह जाती हैं और उस टाइम काटने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि वीड्स इंटरफेयर करती हैं उस टाइम, और ये पॉइजनस भी हो सकती है एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए। तो इनको हटाना, इनको रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर क्रॉप। फार्मर्स बहुत सारे तरीके अपनाते हैं इनको रिमूव करने के लिए। टीलिंग बिफोर सोविंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। अगर क्रॉप्स को उगाने से पहले ही टीलिंग की जाए
तो क्या होगा, इससे वीड्स अपरूट हो जाएंगी, जड़ से निकल जाएंगी और वे ख़त्म हो जाएंगी और ड्राई होके सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएंगे। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। तो अगर वीड्स रह जाती हैं खेत के अंदर तो सबसे अच्छा टाइम है उनके ऊपर फ्लावर आए या उनके ऊपर सीड्स आए, उससे पहले उनको रिमूव कर दो। मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। अगर हाथ से उनको रिमूव करते हैं तो इससे क्या होता है, वे जड़ से निकल जाते हैं या उनको ग्राउंड के पास से ही काट देते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ए खुरपी। ये खुरपी की हेल्प से कर सकते हैं इसको। ए सीड ड्रिल, सीड ड्रिल भी यूज़ होती है वीड्स को रिमूव करने के लिए। ये तो हो गए हमारे मैनुअल मेथड्स। अब हम करेंगे केमिकल मेथड्स ऑफ रिमूविंग वीड्स। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। तो अगर ज़्यादा वीड्स हैं क्रॉप के अंदर तो कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको बोलते हैं वीडिसाइड्स। जैसे एग्जांपल दिया है 2,4-D, अगर इनको स्प्रे किया जाता है फील्ड के अंदर तो इससे वीड्स ख़त्म हो जाते हैं और इससे क्रॉप को कोई डैमेज नहीं होता। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ ए स्प्रेयर। इनको जो वीडिसाइड्स होते हैं इनके अंदर डाइल्यूट किया जाता है पानी डाल के और इनको स्प्रेयर की हेल्प से फील्ड के अंदर स्प्रे किया जाता है। आप फिगर देख सकते हैं स्प्रेइंग वीडिसाइड्स। डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रे। क्या जो वीडिसाइड्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, जो आदमी इनको स्प्रे करता है, क्या उसको उसके ऊपर कोई इफेक्ट कर सकते हैं? स्प्रेइंग ऑफ द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द फार्मर्स। तो अगर वीडिसाइड्स का स्प्रे करते हैं तो इससे फार्मर्स की हेल्थ पे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है। बिकॉज दीज केमिकल्स आर वेरी डेंजरस एंड दीज शुड बी हैंडल्ड विद वेरी केयर। बहुत ही डेंजरस होते हैं और इनको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद ए पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। उन्हें क्या करना चाहिए, स्प्रे करने से पहले अपने नोज को और मुंह को अच्छे से कपड़े से ढक लेना चाहिए स्प्रे करने से पहले। अब हम करेंगे नेक्स्ट हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। तो हार्वेस्टिंग होती क्या है, कटिंग ऑफ ए क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर। जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो उसको काटते हैं, उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इन हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। या तो बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं क्रॉप्स को या फिर उसको ग्राउंड के पास से ही काट देते हैं। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। एक सीरियल जो क्रॉप होती है, जो फसल होती है, अनाज वाली फसल होती है, इसको 3 to 4 months लग जाते हैं मैच्योर होने में। और हमारी कंट्री के अंदर हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, या तो मैनुअली करते हैं हैंड से या फिर सिकल से करते हैं। आजकल मशीनें यूज़ की जाती हैं, उसको हार्वेस्टर बोलते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चैफ। हार्वेस्टेड क्रॉप के अंदर क्या होता है, जो ग्रेन सीड्स होते हैं उनको चैफ से अलग करना ज़रूरी होता है। दिस प्रोसेस इज नॉन एड थ्रेशिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन। और थ्रेशिंग किससे की जाती है, कंबाइन से की जाती है। और कंबाइन क्या है, कंबाइन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये क्या है, हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। इसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, हार्वेस्टर भी और थ्रेशर भी। हार्वेस्टर से क्या होता है, फसल कट जाती है, और थ्रेशर से क्या है, जो शेफ होता है इसके अंदर तूड़ा होता है वो अलग हो जाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न्ड बाय फार्मर्स। हार्वेस्टिंग के बाद कई बार खेतों में जो स्टब्स बच जाते हैं, जो नीचे से अगर ग्राउंड में से बिल्कुल निकाल लिया जाता है तो कुछ नहीं बचता, लेकिन अगर ग्राउंड के पास से काटा जाता है तो छोटे छोटे पौधे बच जाते हैं। विच आर बर्न्ड बाय फार्मर, जिनको खेत में बाद में किसान जला देते हैं। पहेली इज़ वरीड, शी नोज इट कॉजेज पोल्यूशन। वो चिंतित है क्योंकि वो जानती है कि इससे पोल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा। इट मे कैच फायर डैमेज द क्रॉस लाइंग द फील्ड्स। ये इससे आग भी पकड़ सकता है और जो पास के खेतों में जो क्रॉप्स पड़ी हुई हैं उसको जला सकता है। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ द लैंड डू द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन एंड चैफ बाय विनोविंग। जो छोटे किसान होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रेन और चैफ को सेपरेट करते हैं विनोविंग मेथड से।
यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन, ये आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है, विनोविंग मेथड से क्या होता है, जो ग्रेन एक तरफ रह जाता है वो चैफ एक तरफ इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि चैफ हल्का होता है। नेक्स्ट है हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स क्या होते हैं, आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। 3 से 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जब फसल काटने का समय आता है, द साइट ऑफ द गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लेडन विद ग्रेन फिल्स द हार्ट्स ऑफ द फार्मर विद जॉय एंड ए सेंस ऑफ वेलबींग। गेहूं की फसल के बारे में बता रखा है, या ये पैडी फील्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही जो कलर होता है वो गोल्डन होता है। जो गोल्डन फील्ड्स दिखाई देते हैं उनको, उनकी जो साइट होता है और उसके अंदर जो दाने भरे हुए होते हैं उनको देख के क्या होता है, किसानों का जो हृदय है, जो मन है, वो खुशी से झूमने लगता है। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव बोर्न फ्रूट, क्योंकि जो उन्होंने पास सीजन में 3-4 महीनों में जो उन्होंने मेहनत की है उनका फल मिलता है। एंड इट इज़ द टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय लेटर, और अब इस थोड़ा सा आराम करने का समय है और थोड़ा एंजॉय करने का भी समय है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज ऑल्सो ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो हार्वेस्ट का समय होता है, कटाई का समय होता है, बहुत ही हैप्पीनेस का समय होता है हमारे इंडिया में। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुसियाज्म, जो हमारे देश में महिलाएं हैं और आदमी जो पुरुष हैं वे इसको बहुत ही एंजॉय करते हैं। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद हार्वेस्ट सीजन, हार्वेस्ट सीजन से रिलेटेड हमारी कंट्री में अलग अलग नाम से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवन्या और बिहू। अब है हमारी लास्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, स्टोरेज। तो फसल की कटाई भी हो चुकी है, अब ग्रेन्स को स्टोर कैसे करना है। तो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। तो जो हमारे पास जो फसल आती है, जो हमारी उपज है, उसको स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी कैप्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम, अगर हमें इन ग्रेन्स को अगर लंबे समय तक रखना है, 1 साल तक रखना है, तो इनको मॉइस्चर से, इंसेक्ट से और चूहों से या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनसे तो बचाना ही पड़ेगा। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, इन ग्रेन्स के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होती है। अगर फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स को हम बिना सुखाए अगर हम इसको स्टोर कर लेंगे तो क्या होगा, वे ख़राब हो जाते हैं या उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक हो जाता है और जिससे भी अनफिट हो जाते हैं, हम उनको खा नहीं सकते। हैंस बिफोर स्टोरिंग देम ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर। तो इसीलिए स्टोर करने से पहले ग्रेन्स को अच्छे से धूप में सुखाया जाता है जिससे उनकी मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। इससे क्या होगा, जो इंसेक्ट्स हैं, बैक्टीरिया, फंगस है, वो भी इनके अंदर नहीं होगी। आसा माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट, आई वंडर वाई। मैंने अपनी मम्मी को कुछ सूखी नीम की पत्तियाँ गेहूं के ड्रम में रखते हुए देखा था, आई वंडर वाई, क्यों रखती हैं, ताकि इंसेक्ट्स वगैरह ना हो गेहूं के अंदर। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। फार्मर्स ग्रेन्स को जूट बैग्स में स्टोर करते हैं या मेटेलिक बिन्स के अंदर स्टोर करते हैं। यहाँ पे जो दिखा रखे हैं सिलोस फॉर स्टोरेज ग्रेन्स, ये मेटेलिक बिन्स हैं, इनको सिलोस बोलते हैं। और यहाँ पे जो जूट बैग्स के अंदर जो ग्रेन्स दिखा रखे हैं ग्रेनरीज में, इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनरीज। और इनके अंदर क्यों स्टोर किए जाते हैं, ताकि ये पेस्ट लाइक रैट्स और इंसेक्ट से बच सके। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, और घरों पे हम सूखी नीम की पत्तियाँ यूज़ करते हैं ग्रेन्स के अंदर। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउंस, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रेन्स को स्टोर करना है बड़े बड़े गोडाउंस के अंदर, तो कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं ताकि इनके ऊपर पेस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक ना हो। फूड फ्रॉम एनिमल्स, मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कम्प्लीट इट। तो अभी तक हमने क्या किया है, हमें फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो फूड फ्रॉम एनिमल्स के लिए एक छोटी सी टेबल दी हुई, इसको आप भर सकते हैं। मिल्क मिलता हमें काओ से, बुफेलो से, सी गोट और सी कैमल से। इसके अलावा हमें एग्स मिलते हैं हैन से,
और मीट मिलता हमें चिकन से, पिग से और फिश से। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। तो आप देखेंगे इस टेबल को फिल करने के बाद कि जैसे प्लांट से हमें फूड मिलता है, उसी तरह एनिमल्स भी से भी हमें डिफरेंट टाइप का फूड मिलता है। मैनी पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनका खाना क्या है, मेन खाना उनका फिश है। इन द प्रीवियस क्लासेज यू लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, और हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है ये तो हम देख ही चुके हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सेलेक्शन ऑफ सीड, सोविंग एक्सेट्रा। तो हमने अभी अभी देखा क्रॉप प्रोडक्शन के प्रोसेस में कई तरह के स्टेप्स होते हैं, जैसे सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सीड्स को सिलेक्ट करना, उन्हें बोना, इस तरह से बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर डाइट, शेल्टर एंड केयर। व्हेन दिस इज डन ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो जिस तरह से प्लांट्स के प्लांट्स को ग्रो करने में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, इसी तरह से अगर एनिमल्स को हम घर पे या फार्म के अंदर पालते हैं तो उन्हें अच्छा खाना दिया जाता है, शेल्टर दिया जाता है और बहुत ही उनका ध्यान रखा जाता है। तो जब हम इसको लार्ज स्केल पे करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री के नीचे आप अंडरलाइन कर लेंगे, फ़िश इज़ गुड फॉर हेल्थ। फिश हेल्थ के लिए अच्छी होती है, क्यों अच्छी होती है, क्योंकि वी गेट कोड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। फिश से हमें कोड लीवर ऑयल मिलता है और उसके अंदर विटामिन डी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो हमारा चैप्टर हो गया है कम्प्लीट। अब हम करेंगे व्हाट यू हैव लर्नड, इस चैप्टर की समरी, इस चैप्टर के अंदर मेन मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं। In order to provide food to our growing population, we need to adopt certain agriculture practices. हमारे देश की बढ़ती हुई population को food देने के लिए हमें कुछ agricultural practices को adopt करने की ज़रूरत है। Same kind of plant cultivated at a place constitute a crop. जब किसी स्थान पर एक तरह के पौधे उगाए जाते हैं तो उसको crop बोलते हैं। In India, crops कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इंटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन सीजन, और सीजन के बेस पे हमारे देश के अंदर क्रॉप टू टाइप की है, खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉयल बाई टीलिंग एंड लेवलिंग, प्लॉज एंड लेवलर्स आर यूज फॉर दिस पर्पज। सॉयल को प्रिपेयर करने के लिए, सॉयल को प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, और किससे होती है ये प्रिपेयर, टीलिंग और लेवलिंग से। और इसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, प्लॉज एंड लेवलर्स। Sowing of seeds at appropriate depth and distances gives good yield. Good variety of seeds are sown after selection of healthy seeds and it is done by seed drills. तो seeds को जो sow करते हैं, seeds को जो grow करते हैं appropriate depth पे और equal distances पे अगर grow करेंगे तो इससे अच्छा yield मिलेगा, और हमें अच्छी quality के seeds grow करने चाहिए। और sowing किसकी instrument से होती है, seed drill से होती है। सोयल नीड रिप्लेनिशमेंट एंड एनरिचमेंट थ्रू द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो सोयल को रिप्लेनिश करना जरूरी है, एनरिच करना जरूरी है। किससे एनरिच कर सकते हैं, बाई यूजिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स के ज़्यादा यूज से क्या होगा, उससे सोयल का पोल्यूशन होगा। सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। वीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाई मशीन्स। सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द शेफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रियर्ड, दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो चैप्टर हो गया है कम्प्लीट। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।